देखिएगा बेटा, अब हम यहाँ से डायपोल मोमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच कंपाउंड है जीरो डायपोल मोमेंट। आपको बताना है कि इनमें से किस कंपाउंड का डायपोल मोमेंट जीरो है। तो जो सिमेट्रिकल होगा उसका डायपोल मोमेंट जीरो है बेटा। तो आप देखिएगा फर्स्ट के अंदर यहाँ पर इधर वाले में डायरेक्शन ज्यादा है तो ऐसे होगा, तो यहाँ पर डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं है। सेकेंड वाला देखो बिल्कुल सिमेट्रिकल है बेटा, और सिमेट्रिकल है तो इसका डायपोल मोमेंट जीरो होगा, यही इसका आंसर है। थर्ड वाले में देखो अनसिमेट्रिकल है, डायरेक्शन ऐसे होगा, ये भी आपका अनसिमेट्रिकल है, डायरेक्शन ऐसे होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बी है, क्योंकि ये टू ब्यूटाइन सिमेट्रिकल है और जो सिमेट्रिकल होते हैं उनका डायपोल मोमेंट जीरो होता है। सेकेंड में भी हमें ये चेक करना है कि कौन सा सिमेट्रिकल है। तो आप देखिएगा बेटा फर्स्ट के अंदर यहाँ पर इथाइल है, यहाँ पर मिथाइल है, तो यहाँ पर डायरेक्शन ऐसे होगा और इस वाले के अंदर जो डायरेक्शन है वो ऐसे होगा, बट ये दोनों सेम नेचर वाले नहीं है। अर्थात इसको मैं म्यू वन मान लेता हूँ, इसको म्यू टू मान लेता हूँ, तो म्यू टू जो है बेटा वो म्यू वन से बड़ा है इसलिए जीरो नहीं होगा। बट आप जरा देखो बेटा इसके अंदर डायरेक्शन ऐसे होगा, इसमें डायरेक्शन ऐसे होगा और बिल्कुल सेम है, तो यहाँ पर डायपोल मोमेंट जीरो होगा, तो इसका बी आंसर हो गया। सी में आप देखो बेटा यहाँ पर आपका क्लोरो है, यहाँ पर मिथाइल है, दो डिफरेंट नेचर वाले हैं, तो इसका एरो ऐसे लगेगा, इसका एरो ऐसे लगेगा, तो यहाँ भी जीरो नहीं होगा। बट कार्बन टेट्रा क्लोराइड का भी जीरो है, क्योंकि बेटा कार्बन टेट्रा क्लोराइड आर द सिमेट्रिकल इन नेचर, तो इसका मतलब इसका भी जीरो होगा। तो आपके सेकेंड क्वेश्चन का आंसर बी और डी होगा। अब आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू में बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैव अ डायपोल मोमेंट। आपके बारे में आपको बताना है किनके अंदर डायपोल मोमेंट होता है। तो इससे पहले एक बात बता दूं मैं बेटा, जनरली आपके जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, जो प्लेनर एरोमेटिक कंपाउंड है, उनका डायपोल मोमेंट जीरो होता है, अर्थात वो नॉन पोलर होते हैं। बट एक आपका एरोमेटिक कंपाउंड है एजुलिन, तो आप देखिएगा फर्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास एजुलिन का स्ट्रक्चर है बेटा, एजुलिन, और एजुलिन आर द एरोमेटिक, ये आपका एरोमेटिक है, डायपोल सेंटर है, इधर पॉजिटिव होता है, इस पर नेगेटिव होता है, तो इसमें डायरेक्शन ऐसे होता है। कैसे होगा वो, क्योंकि ये वाला पाइपोन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला पाइपोन यहाँ आ जाएगा, तो देखो इस पर नेगेटिव आ जाएगा, इस पर पॉजिटिव आ जाएगा, और ये एजुलिन है। तो ध्यान रखना एजुलिन आपका जो है वो एक एरोमेटिक कंपाउंड है, क्योंकि यहाँ पर सभी कंडीशन अप्लाई हो रही है, और इसके अंदर एक सेवन मेंबर रिंग है, एक फाइव मेंबर रिंग है, जिसमें सेवन पर पॉजिटिव, फाइव पर नेगेटिव, अर्थात एक डायपोल बन रहा है, और एक डायपोल बनने की वजह से बेटा इसका डायपोल मोमेंट होता है, अर्थात एजुलिन आर द पोलर इन नेचर होता है। बाकी आप देखो ये सिमेट्रिकल है, नॉन पोलर होगा, सी एन सी एन इस पेरा पर नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर, क्योंकि ये भी आपका लीनियर स्ट्रक्चर है और ये भी आपका लीनियर स्ट्रक्चर है। तो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बेटा, ए। तो ध्यान रखना एजुलिन एरोमेटिक है और वो आपका पोलर होता है। इसी में सेकेंड आपको दे रखा है, वापस वो डायपोल मोमेंट बताना है। फर्स्ट आपका ट्रोपोलोन है बेटा, ट्रोपोलोन में जब ये पाई बोन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, और इसके अंदर एक डायपोल बन जाएगा, अर्थात ये आपका क्या हो गया, पोलर हो गया। तो सेकेंड के अंदर फर्स्ट ऑप्शन आपका पोलर है। सेकेंड में देखो वापस वही आपको एजुलिन गिवन है, और अभी हमने कहा था एजुलिन आर द एरोमेटिक कंपाउंड और एरो पोलर भी है, तो एरोमेटिक कंपाउंड में एजुलिन हमेशा पोलर है। एक ट्रोपोलोन ये भी आपका एरोमेटिक है बेटा, और एरोमेटिक के बाद में ये भी आपका पोलर है। तो जनरली एरोमेटिक नॉन पोलर होते हैं, बट कुछ एरोमेटिक ऐसे हैं जैसे आपका एजुलिन हुआ, ट्रोपोलोन हुआ, ये दोनों आपके पोलर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बेटा क्या होगा, ए और बी होगा। सी बेंजीन है, नॉन पोलर होगा, और ये आपका नेफ्थलीन है, ये भी नॉन पोलर होगा। तो बेटा बेंजीन और आपका नेफ्थलीन दोनों ही क्या है, नॉन पोलर इन नेचर है। इसी के साथ आपका ये डायपोल मोमेंट का पोर्शन कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको हर क्वेश्चन कॉन्सेप्टली एक्सप्लेन हुआ होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो बेटा वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो, ताकि आप लोगों के पास न्यू नोटिफिकेशन आता रहे और आप लोगों की स्टडी आगे चलती रहे।